press the bell icon for all the updates. फिलहाल जो ये सीन चल रहा है मेरा और इशिमा का चल रहा है ये बहुत ही इमोशनल सीन है बिकॉज इसके एक दिन पहले बहुत ही दुख वाली चीज़ें हुई हैं बहुत सारी ट्रेजडीज़ हुई हैं एक दिन में मेरी गोद भराई के दिन कभी मुझे मार्बल्स पे कराने की कोशिश की गई कभी झूला तोड़ दिया गया कभी मिठाई में कुछ फंगस था कभी मुझे बाथरूम में बंद कर दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं एक दिन पहले और एंड में बहुत ज़्यादा सब ने गुस्सा दिखाया तो मैं घर छोड़ के चली आई हूँ भल्ला हाउस और ये आज मुझे बैठे बैठे उस चीज़ों के उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाई हूँ बेसिकली तो शिवा मुझे कंसोल कर रही है प्यार से वो कर रही है कि लाइक इट्स अबाउट बेबी मेरे पास बेबी है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो और बहुत प्यार से मुझे खिला रही है पिला रही है कि अब मेरा बेसिकली मेरा ध्यान रख रही है वो अच्छा जब देखा जाए तो भल्ला हाउस छोड़ दिया तो क्या वापस जाना है कि नहीं देखिए मैं गई तो इसी इरादे से थी कि हम भल्ला हाउस में जाए वहाँ आदि का बच्चा आदि के परिवार के साथ रहे उसके उनके सामने पैदा हो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं तो अभी थोड़ा टाइम है मुझे जाने में वापस भल्ला हाउस मैम ये देखा जाए तो इशिता मैम और जो करण पटेल तो कब एक होंगे ज़रूर क्योंकि उसके बिना तो ये शो आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि सारे ये है मोहब्बतें के फैंस को सबसे ज़्यादा यही पसंद है कब करण और रमन और इश्ता एक होंगे तो होंगे ज़रूर और ये बच्चा ही लाएगा उनको पास कभी ना कभी लेकिन थोड़े टाइम के बाद और ये है ना सिम्मी बुआ इस बच्चे को मैं मार डालूंगी ये है ना सिम्मी बुआ इस बच्चे को मारने के लिए मैं हूं ना जिंदा सी कितने सारे दुश्मन है इस बेचारे बच्चे के छोटे से बेचारा अभी आया भी नहीं दुश्मन पहले पहले झेल लिए उसने सारे एग्जैक्टली इस रोशनी के चक्कर में ये बच्चा कितना सफर कर रहा है रोशनी के कांडों के चक्कर में बेचारी गलतियां हो जाती है किससे नहीं होती है देखो सिम्मी बुआ आप कितनी गलतियां करते हो नहीं मेरे पति तो बड़ी ऐसी ऐसी बड़ी मेरे पास चलो कह रही है 150 नहीं 1500 क्या कहना चाहेंगे हम तो बहुत खुश हैं मतलब 1500 एपिसोड पूरा हमने झेले हैं हमने किए हैं और आई नो कि ये हैप्पीनेस किस लेवल की है क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती हमने 1500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं या बेंचमार्क किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे देखा जाए तो आई थिंक सबको ही क्रेडिट देना चाहूँगी क्योंकि सबकी उतनी ही मेहनत लगी है बट डेफिनेटली हमारे क्रिएटिव्स जिन्होंने स्पेसिफिकली हर चीज़ का ध्यान रखा और बहुत बारीकी से सब चीज़ें देखी हैं और हम तभी यहाँ तक आगे तक बढ़ पाए हैं सही बात है फाइनली फैंस फैंस ऐसे प्यार करते रहो हमें जैसे प्यार कर रहे हो खूब सारी टीआरपी बढ़ाते रहो खूब सारा शो 10:30 के स्लॉट पे देखते रहो हमें पसंद करो या ना करो लेकिन हमारे शो को पसंद करो प्लीज थैंक यू